हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं कुल्फी। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी इसलिए डालना था कि जो हम दूध डालेंगे वो नीचे ना लगे। 1 लीटर दूध लिया है हमने, उसको हाफ होने तक पका लेंगे। बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। फिर इसको हम आधा होने तक पका लेंगे। ना तो इसमें अरारोट डालेंगे हम और ना ही कॉर्न स्टार्च। तो हमने डाला इसमें काजू का पाउडर। काजू का पाउडर डाला हमने 2 चम्मच, 2 या 2.5 चम्मच ऐसे ही है। और फिर इसमें डाला है इलायची फ्लेवर डालना है। और फिर इसको थोड़ा हिलाते पकाएंगे, हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे नीचे। फिर इसमें डालेंगे हम चीनी। चीनी हमने डालनी है लगभग 3 चम्मच के आसपास। चीनी है 3.5 चम्मच के टेबल स्पून जो है वो हमने डाले हैं चीनी के। फिर इसको हिलाते हुए थोड़ा पकाएंगे और फिर ये थोड़ा ठंडा होने तक इसको हम ठंडा होने रख देंगे। और ठंडा होने तक इसको फिर हम लेंगे मिक्सी का जार और उसमें डालेंगे हम हाफ डालेंगे जो हमने बैटर बनाया है कुल्फी का, वो हाफ या एक जार में डाल लेंगे। क्योंकि आज जो है हम दो तरह से बनाने जा रहे हैं कुल्फी। एक पहली वाली जो हमने बनाई है वो मैंगो फ्लेवर की है। आप चाहें तो वनीला एसेंस की भी बना सकते हैं। और फिर इसको इसमें हमने डाले काजू, पिस्ता और बादाम। और फिर हमने इसमें डाला है एक मैंगो हमने लिया था, उसको काट के फिर इसमें डाल लिया ग्राइंडर जार में। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते हुए इसको थोड़ा स्मूथ पेस्ट बन जाएगा इसका, क्योंकि कुल्फी जो स्मूथ ही होती है खाने के लिए। फिर हम कुल्फी मोल्ड लेंगे और उसमें डाल देंगे जो कुल्फी का पेस्ट है, हम इसमें डाल देंगे। सो फ्रेंड, ये हम दो तरह की बनाने जा रहे हैं। तो इसमें मैं जो कुल्फी मोल्ड है 3 में ही डालूंगी और बाकी दूसरे में डाल दूंगी। दूसरा जो बर्तन है उसमें डाल के इसमें ड्राई फ्रूट से हम इसको गार्निश करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं पान कुल्फी। पान के ये जो पत्ते हैं हम हमारे किचन गार्डन के ही हैं, फ्रेश है एकदम। तो आप 2 या 3 पत्ते पान के ले लेंगे। फिर इसको ऐसे थोड़ा तोड़ के और मिक्सी ग्राइंडर जार में जो वो डाल लेंगे। फिर जो बचा हुआ बैटर है हमारा उसको मिक्सी जार में डाल के इसको भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखो अच्छा कितना अच्छा स्मूथ पेस्ट बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो कुल्फी है इसको हमने रखना है 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए। इस फ्रीज होने के बाद फिर इसको हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सो आप इसका कमेंट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो हमें अपने सुझाव दें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।